डॉक्टर महेश भटना और हमारे ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव श्री अनुराग सक्सेना। आप सभी लोग थाई समाज के बारे में जानते ही होंगे। थाई समाज वो देश का वो समाज है जिस समाज में अपने देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म दिया, जिस समाज में लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री को जन्म दिया और जिस समाज में सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी को जन्म दिया। ऐसे अनेकानेक महापुरुषों की श्रृंखला जिस समाज में है, ऐसे काइस्ट समाज का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस। इस ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ संक्षिप्त मैं पहले में जानकारी देता हूँ, उसके बाद उसका जो कार्यक्रम यहाँ होने वाला है उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस विश्व भर में, जैसा मैंने कहा आपको, विश्व के लगभग 40 देशों में उसकी इकाइयाँ कार्यरत हैं और लगभग 20 प्रदेशों में हमारी यूनिट चलती है ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस। पूरे देश में लगभग 3,500 के आसपास विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारी काम करते हैं और 15,000 से ज़्यादा उसकी सदस्य संख्या है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस हालांकि पिछले 2 वर्ष से ही काम करना शुरू किया है उसने, लेकिन लगातार काइस्ट समाज को एक संगठन के रूप में एकत्र करने के लिए वो काम कर रहा है। संगठन के मूल उद्देश्यों की दृष्टि से संगठन लगातार समाज के अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए तो काम करता ही है। तो समाज में जो आज रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं उन अवसरों को वापस किस प्रकार से सृजित किया जाए, और ना केवल रोजगार के अवसर बल्कि आज जो देश मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जैसे नए उपक्रमों के माध्यम से विश्व में के मानचित्र पर एक नया दृश्य इस देश का जो उभर रहा है उसमें समाज की भी एक बड़ी भूमिका हो, समाज के नवयुवक उसके नाते आगे आए, इस दृष्टि से समाज ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस काम करता है। दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में एक विधानसभा सीट भी किसी भी पार्टी की ओर से काइस्ट समाज को नहीं दी जाती। उसका कारण केवल ये है कि आज राजनीति जातिगत समीकरणों के आधार पर चलती है, योग्यता के आधार पर नहीं चलती। तो बातचीत करके और संघर्ष के माध्यम से ये चाहता है कि काइस्ट समाज को भी उसका उचित प्रतिनिधित्व देने की ओर राजनीतिक दल बढ़े, ताकि समाज में जो शुचिता का वातावरण कहीं ना कहीं काइस्ट समाज के कारण बढ़ा था। आज भी अगर आप समाज में बड़े बड़े पुराने समय के लोग जो अधिकारी हुआ करते थे वहां से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों की बात करेंगे तो समाज का बड़ा वर्ग उस नाते काम करता था और वो लोग कितनी ईमानदारी से काम करते थे वो कहने की आवश्यकता नहीं है। इकाइयाँ चलती हैं, उन सभी इकाइयों को लगातार संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर शहर में करने की एक योजना 17-18 दिसंबर को हुई है, और 17-18 दिसंबर को ये अधिवेशन अटल सभागार ये जो सेक्टर 4 में नगरी में होने स्थित है वहाँ पर ये अधिवेशन होने जा रहा है। श्रीवास्तव जी का नाम सुना होगा, वो कार्यक्रम में आने वाले हैं। भोजपुरी फिल्मों के बड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं दीप श्रेष्ठ जी, वो कार्यक्रम में आने वाले हैं। कार्यक्रम में अतिथि के नाते नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि जी भी आने वाले हैं। हमने कार्यक्रम में राजस्थान के राजनीतिक दलों के प्रमुख जो राजनेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया है, उनकी भी सहमति हमें लगातार मिल रही है, हमने सबके लिए होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम होगा जो 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आयोजित होगा। इसी प्रकार 17 दिसंबर को ही रात्रि में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, उसमें पन्ना भाई के ऊपर एक नाटक का मंचन होगा और साथ में विभिन्न कलाकार, क्योंकि आप जानते हैं कि काइस्ट समाज में गीत संगीत का बड़ा प्रचलन रहता है, अनेकों प्रतिभाओं की ऐसी स्थिति रहती है, वो प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी होगा। तो ऐसा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सायंकाल के समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, और अगले दिन 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन होगा जो अटल सभागार से प्रारंभ होगी और उदयपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई प्रताप गौरव केंद्र पर जाकर उसकी वो संपन्न होगी और वहीं अधिवेशन का भी समापन हो जाएगा। जो बच्चा है वो
दूसरे समाजों में भी है। टाइ समाज में इसलिए लगना हो रहा है कि पहले जो लोग इतने आगे थे, अब आज के नवयुवकों में दूसरे लोगों में इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं हो पा रहा। सरकारी नौकरियां अधिकांश टाइ सरकारी नौकरियां ही करते थे, किसी भी पद पर हो, पर वो गवर्नमेंट सर्विस हो जाती। अब आज के ज़माने में अधिक इस तरह की बातें हो गई कि नौकरियाँ मिलना कठिन हो गया और व्यवसाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कभी किया नहीं, तो व्यवसाय में अभी तक बहुत अधिक लोग नहीं आ पाए। तो कुछ समस्याएँ हैं, उन पर विचार करना होगा। यहाँ बाहर से आने वाले सब लोग इकट्ठा होंगे कि कैसे अपन इस से बाहर निकल करके पूरे समाज के लिए भी क्या कर सकते हैं। सामाजिक सेवा होती थी सारे लोगों से गौरव होने के कारण, वो अब आज की तारीख में नहीं है। तो समाज के लिए भी समाज से क्या कर सकते हैं उसका मंथन हो, और अपने समाज के लिए क्या हो सकता है कि उसके जो वर्कर्स हैं सारे वो किस रूप में आगे बढ़ सके, और कैसे अपने आप का इस तरह से रीइन्वेंट अपने आप को करें, और ये स्थिति लाने का प्रयास करें कि हम उस स्थिति को कम से कम वापस प्राप्त कर सकें। दो दिन की कॉन्फ्रेंस में क्या सत्र आपके होने वाले हैं और क्या प्रमुख मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर विचार विमर्श करने वाले और आगे की रणनीति करेंगे? देश के बहुत प्रमुख समाज कायस्थ समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज उदयपुर में होने वाला है 17 और 18 दिसंबर। हमारे जो ग्लोबल अध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हैं, वो कार्यक्रम में आने वाले हैं। उसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अनेकों बड़े नाम हैं जो कार्यक्रम में आने वाले हैं, जैसे अंजन श्रीवास्तव हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए, भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार दीप श्रेष्ठ आने वाले हैं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र दिल्ली जी भी आने वाले हैं। हमने कार्यक्रम में राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनको निमंत्रण दिया है। उद्घाटन कार्यक्रम की दृष्टि से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, राजस्थान सरकार के वर्तमान में जो विधान राजस्थान सरकार में जो वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के, सीपी जोशी साहब, गुलाब चंद कटारिया जी जो हमारे विधायक भी हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, पूर्व में गृहमंत्री रहे हैं, उनको भी हमने कार्यक्रम का निमंत्रण दिया है। कार्यक्रम में अनेकों मीडिया जगत की बड़ी हस्तियाँ भी आने वाली हैं। एक आपने नाम सुना होगा अपू श्रीवास्तव जी, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और बहुत सारे बड़े मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, वो भी आने वाले हैं। ऐसे अनेकों नाम हैं जिनकी मैं चर्चा करूँगा। लगभग 10 देशों के 15 देशों के प्रतिनिधियों के भी आने की सूचना है, नेपाल से, दुबई से, कुवैत से, अमेरिका से, जर्मनी से, ऐसे कुछ प्रतिनिधि वहाँ आने वाले हैं। राजस्थान के लगभग 20 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है जिसको लेकर जो है इतने देशों के जो है ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो कायस्थ समाज की जो आज वर्तमान की बहुत सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं की चर्चा करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। उसमें से विशेष रूप से हमारा दो विषयों पर जोर रहेगा। पहला जो रोजगार की समस्या है आज के नवयुवकों में, आज के नवयुवकों को जो आगे बढ़कर जो नौकरियों में जो अवसर जो सीमित हो गए हैं उनके बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ किस प्रकार एंटरप्रेन्योर नए तैयार हो सकते हैं मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से किस प्रकार नए नए व्यापारी लोग, नए नए प्रोफेशनल खड़े हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। इसी प्रकार दूसरी जो प्रमुख समस्या है कि कायस्थ जगत समाज में एक बड़ी समस्या है कि राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ापन आ गया है। एक ज़माने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता देने वाला समाज, आज अगर हम बात करें तो कई प्रदेशों की विधानसभा में एक विधायक भी यहाँ नहीं है, यहाँ तक कि कोई पार्टी एक टिकट तक नहीं उस समाज को देती। राजस्थान की में तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और फिर बाद में एक और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के रूप में यहाँ रहे और उसके बावजूद भी आज कायस्थ समाज में के एक भी व्यक्ति को टिकट तक
किसी प्रमुख पार्टी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। महाधिवेशन को लेकर क्या और उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस दृष्टि से हम विचार करने वाले हैं किस प्रकार हम पॉलिटिकली अपने आप को आगे ला सकें, समाज के विभिन्न समाज को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ नेगोशिएशन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से और आवश्यकता पड़े तो एजिटेशन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से कायस्थ समाज को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। और अगले साल 24 सितंबर को एक बड़ा विशाल कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में 1,00,000 कायस्थ समाज के बंधु एकत्र होंगे और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई।